हमेशा से इस दिल में था, बस मैं इसे पहचान नहीं पाई। और जब इसे पहचाना, इसका एहसास हुआ, तो कह नहीं पाई। But Raj, love is a beautiful emotion. और जब ये होता है, तो आप वही करते हैं, जो ये चाहता है। क्या हुआ राज? कुछ तो कहो। आज भी कुछ कहना नहीं चाहता अवनी। मैं बस सुनना चाहता हूँ। क्या सुनना चाहते हो? Those three magical words. I love you. फिर से कहो। I love you, Raj. कहती रहो, please. कितनी बार कहूँ राज? मैं तो ये हमेशा के लिए सुनना चाहता हूँ अवनी, क्योंकि तुम नहीं जानती मैंने ये सुनने के लिए कितना इंतजार किया है। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, जब मुझे तुमसे प्यार हुआ अवनी, I'm in love! और फिर जब मैंने अपना प्यार कन्फेस किया, I love you, Avni. I love you, Avni. I love you, Avni. I love you so much. You so much. You so much. उस हर एक मोमेंट में मुझे इस मोमेंट का सबसे ज्यादा इंतजार था, और आज जब तुमने आई लव यू कह दिया, तो जैसे मुझे सब कुछ मिल गया अवनी। तो पहले तुम कहो। I love you, Avni. I love you, Raj. I love you so much. यही होते हैं सवेरे, यही मरना और जीना, यही मंदिर और मदीना। तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां मुझको भावे, गलियां तेरी गलियां तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां यूं ही तड़पावे, गलियां तेरी और आज तुम भी? माँ वो एक्चुअली मैं राज को बुलाने गई थी, तो अचानक से बारिश हो गई और हम भीग गए। ओ थैंक यू राज, अगर तुम नहीं होते तो मैं अर्पिता से कभी नहीं मिल पाता। और आज अगर अवनी नहीं होती तो मैं तो चली गई होती। अवनी ने जो बातें माइक पे कही, उनने मेरे बढ़ते कदम रोक दिए। मुझे भी तो यही लेके आई है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें समझा दी आज इसने मुझे। But there's one thing. हम दोनों में झगड़े हुए, लड़ाइयां हुई, दूरियां भी आई, लेकिन आज ये सब हो जाने के बाद ये मिलने की जो फीलिंग है, ये बहुत अलग है। इट्स सो डिफरेंट, सो यूनिक। दिस इज द फीलिंग ऑफ लव। दूर जाने के बाद जब कोई अपना मिलता है तो वो रिश्ता और स्ट्रांग हो जाता है। पर मेरे लिए सबसे स्पेशल बात ये है आज कि मम्मी जी मुझे लेने आई। जितनी तकलीफ तुम दोनों को हुई थी इस घर को छोड़ते हुए, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे हुई तुम दोनों को अपनी नजरों से दूर करते हुए। मेरे ऊपर क्या बीती सिर्फ मैं ही जानती हूँ। एक छोटी सी चीज इतनी बड़ी बन गई। बात अभी भी वही की वही है। अर्पिता को अक्षत ने अपना है, सुकेत जी ने नहीं। अर्पिता अब यहाँ से कहाँ जाएगी? ना अर्पिता कहीं जाएगी
और ना ही अक्षत उसे छोड़कर कहीं जाएगा। तो माँ, अर्पिता भाभी हमारे साथ हमारे घर चलेंगी? फिलहाल के लिए ये दोनों जयपुर में कहीं पे रुकेंगे, तब तक मैं घर पे जाकर बात संभाल लूंगी। पापा को मनाना मुश्किल है मम्मी जी। मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। इन्हें मुझसे अच्छी तरह और कोई नहीं जानता है, अब इन्हें कैसे मनाना है ये मुझे कुछ सोचना होगा। पर मम्मी जी, मेरी वजह से कहीं आपको? अर्पिता, तुमने एक अच्छी बहू होने की जिम्मेदारी निभाई है, अब मुझे भी मेरी जिम्मेदारी निभाने दो। जो वादा मैंने इनसे किया था तुम्हारे कन्यादान के समय, अब वो वादा पूरा करने का समय आ गया है। मैं तुमसे वादा करती हूँ अर्पिता, मैं तुम्हारा एक बार फिर से गृह प्रवेश करवाऊंगी। और अवनी, तुझसे भी। और इनकी रहने की जगह मैं अरेंज कर दूंगा। ठीक है राज, एक काम करो, तुम लोग निकलो, मैं जाके घर पे बात संभालती हूँ। आइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको घर पे। जा रही थी, मैं जा ही नहीं पाया। मैं तो देखूंगी, तुम्हें नहीं आना था तुम मत देखते। देखो तो मुझे फिर जाने नहीं दे रही। हां अवनी, तुम यहीं रुको, मैं जा रही हूं। प्लीज डोंट गो, मुझे तुमसे प्यार जताने का बहुत मन कर रहा है। मार खाने का नहीं कर रहा, ये बात माँ के सामने कहो। तू जान, जरा ध्यान रखिए, आज ऑटोस की स्ट्राइक है, तो प्लीज आप सेफ रूट से जाइएगा। और आज का दिन बहुत अच्छा है, अगर मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया तो ये दिन मेरे लिए भी स्पेशल हो जाएगा। खुश रहो। थैंक यू। देख लिया मुझे आशीर्वाद मिला, मार नहीं। हाँ? कुछ नहीं। जल्दी से परोस दो, आज मैं इतना खुश हूँ कि ज्यादा ही खाऊंगा। बिल्कुल, इतने दिनों बाद कुछ अच्छा हुआ, मैं भी आज बहुत खाऊंगा। और अब सब अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे बेटा, मैंने तो चिंता छोड़ी दी थी, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम जो भी करोगी अच्छा ही करो और इस परिवार को कभी बिखरने नहीं। नहीं बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद से हुआ है और मेरी बेटी की समझदारी से।
आज इसी ने मुझे सही और गलत का एहसास कराया। आई एम प्राउड ऑफ यू अवनी, थैंक यू। जैसी माँ वैसी बेटी। मैं तो बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ, एकदम आपकी बच्ची। अच्छा भाभी, प्लान क्या है? ये अक्षत और अर्पिता कब तक छुपे रहेंगे? इससे पहले कि वो सामने आए, हमें पापा को कैसे भी करके कन्विंस करना होगा। लेकिन ये कैसे होगा? सुकेत भाई साहब तो भावना जी, आप और अवनी कहाँ थे इतने देर से? मार्केट गए थे। मार्केट गए थे? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैंने सोचा कि आप अक्षत के पास गई हैं। आज अर्पिता यूएस जाने वाली थी तो शायद टेंशन। नहीं नहीं, टेंशन किस बात, जो होना था वो तो हो ही गया ना। और आप बिल्कुल सही कहते थे, जिसने जो करना था वो कर गया, अब हम इन चीजों को लेके क्यों परेशान हो। आप खाना खाइए। अक्षत कहाँ है? वो आया नहीं अभी तक। अर्पिता के साथ? अर्पिता यूएस तो चली गई ना। देखिए, अर्पिता यूएस गई है या नहीं, अक्षत उसके साथ है या नहीं, दोनों कहाँ है मैं सचमुच नहीं जानती हूँ और ना ही जानना चाहती। अब वो लोग कोई बच्चे तो है नहीं, अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब हमारी मर्जी और उनकी मर्जी नहीं मेल खाती है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप भी इतना मत सोचिए, खाना ठंडा हो रहा है, खाना खाइए। बेटा, कोई क्या चाहता है, कहाँ है, ये सब सोच के तुम क्यों परेशान हो? भाई बच्चे हैं, उन्हें अपनी जिंदगी जीने दो। आप लगातार इनके दिमाग में ऐसे सवाल आते रहने चाहिए। जितना ये परेशान होंगे ना, उतना ही जानने की कोशिश करेंगे कि अक्षत और अर्पिता कहाँ हैं, कैसे हैं, किस हाल में हैं। जब इनके सवालों का इनका जवाब नहीं मिलेगा, तो इनकी परेशानी बेचैनी में बदलेगी और एक दिन ये बेचैनी ही उनके अभिमान को तोड़ेगी। और बाऊजी, देखना, जिस दिन इनका अभिमान टूटेगा ना, ये खुद अक्षत और अर्पिता को इस घर में लेके आएंगे और प्यार को भी। क्या बोलूं, तुम ही कुछ कहो ना। खाना डिनर हो गया? हाँ। क्या था खाने में? कुछ नहीं, मतलब सब्जी, दाल, रायता, बस। तुमने क्या खाया? जीजू ने राजमा चावल बनाए थे, काफी अच्छे बने थे। क्या हुआ? Oh God, अवनी, ये हम क्या बातें कर रहे हैं? So silly ना? मुझे लगा कि मैं तुमसे ये कहूँगा, वो कहूँगा, लेकिन अब देखो, हम दाल सब्जी राजमा की बातें कर रहे हैं। सच में? हम ये सब वैसे राज, ऐसा ही होता है जब वो हो जाता है। जब क्या होता है अवनी, बोलो ना। जब प्यार हो जाता है राज, ऐसा ही हाल होता है। जो कुछ कहना होता है वो सारे वर्ड्स गुम हो जाते हैं। मेरा भी तो पहला प्यार है अवनी, मुझे नहीं पता, शायद खुशी इतनी मिलती है कि होश उड़ जाते हैं। लेकिन एक बात तो है,
इतना इंतजार किया है कि हमारे दिल मिले। और तुम ये एक्सेप्ट करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, तो आज मैं वो बात जरूर कहूंगा जिसके लिए मैंने फोन किया है। मुझे पता है तुम क्या कहोगे। क्या? कि यू लव मी। प्यार तो है अवनी, लेकिन नए नए प्यार में एक बात बहुत खास होती है। एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या पूछो राज? अवनी, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? हमारी फर्स्ट डेट? डेट? मुझे पता था ये सुनकर तुम्हारी आवाज ही गुम हो जाएगी। लेकिन अवनी, तुमने अपने प्यार का इकरार किया है। तुमने ये भी कहा है कि तुम्हें हमारे प्यार के लिए एक उम्मीद नजर आती है, तो प्लीज मुझे जवाब जरूर देना। तुम चाहे जितना वक्त लो, लेकिन मुझे जवाब जरूर देना। गुड नाइट। तूने रात से अपने दिल की बात कह दी। वो सब तो ठीक है देविका, पर ऐसे डेट पर जाना, वो भी पहली डेट। अभी मैं रात से पहले कितनी बार मिली हूँ, पर इतना अजीब आज तक नहीं लगा। और वो भी प्लान करके डेट पे जाना। मुझे तो ये भी नहीं पता कि डेटिंग क्या होती है। अम्मी, अब इसमें इतना टेंशन लेने वाली बात क्या है? साथ में घूमो, फिरो, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ और फिर अपने दिल की बात उसे बता दो। तो जानती है ना देविका कि मुझे ये सब बिना किसी को बताए करना होगा। क्या ये सही होगा? नहीं, ये गलत होगा। देखो, तू पहले ये सोच कि तू क्या चाहती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या चाहती हूँ। आई विश ये डिसीजन मेरे लिए कोई और लेता। चल मेरे साथ। देविका कहाँ लेके जा रही है? तू चल तो सही। अब सब कुछ गोविंद जी पर छोड़ दे, वो ही करेंगे तेरे लिए फैसला। आफ्टर ऑल तेरी और राज की लव स्टोरी उन्होंने ही शुरू की थी ना। अब इनमें से एक चूज कर। चूज करो ना। क्यों? करो ना प्लीज। क्या लिखा है? हाँ, तूने जो भी गोविंद जी से मांगी उसका जवाब हाँ है। अब मुझे गोविंद जी से हाथ दिला दी, क्योंकि तूने जो कुछ भी मांगा होगा वो अच्छा ही होगा। मैं कितनी लकी हूँ, मुझे माँ और गोविंद जी दोनों की हाँ मिल गई। हाँ, और अब प्लीज ज्यादा मत सोचना, ओके? तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? हेलो राज, वो आज शाम को 7 बजे मैंने रिवॉल्यूशन रेस्टोरेंट में टेबल बुक कर दी है। क्या? तुम्हें कैसे पता कि मैं आऊंगी? क्योंकि मुझे प्यार की ताकत पर पूरा विश्वास है अपनी। सी यू। अच्छा जी, प्यार की ताकत पर विश्वास? हाँ। और नहीं तो क्या जी, मुझे पक्का यकीन था कि अवनी आएगी, इसलिए मैंने रिजर्वेशन भी अवनी खंडेलवाल के नाम से किया। कौन सी ड्रेस पहनूं, ये या ये?
राज को कौन सी पसंद आएगी? मुझे तो इसमें से कोई भी पसंद नहीं जीजू। ओए राज, बिल्कुल ठीक कहा तूने। मतलब ये सब बेकार है? ओए राज, तू समझ नहीं रहा है। ओए तोड़ी पहली डेट है यार, पहली डेट। ओए ये कभी लौट के नहीं आनी, तू समझ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ओए तुझे आज दी बेस्ट लगना है, दी बेस्ट। अपनी ये वाला देख, बहुत ही अच्छा कलर है। नहीं देविका, मुझे एकदम बेस्ट दिखना है। मेरी डेट पे सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ओए वैसे प्यार वाली नजर बस परफेक्ट ही परफेक्ट दिखती है। और तुझे क्या पहनना है उससे ज्यादा दिलचस्पी उससे तुझे देखनी में होगी। और वक्त बर्बाद ना कर, फटाफट डिसाइड कर ले। ये वाला? नहीं देविका, तू प्लीज जल्दी मत बचा, मुझे सोचने दे। अभी प्लीज जल्दी से डिसाइड कर।